हेलो बेटा बेटा, कल हमने डेथ ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर स्टार्ट करा था और मैंने आपको ये बताया था कि हम पार्टनर की डेथ पर दो प्रकार की कैलकुलेशन इस चैप्टर में सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे कि उसको, देखो मैंने ये कल आपको एग्जांपल भी समझाया था कि जो स्टार्टिंग यानी कि बैलेंस शीट की डेट है वहाँ से लेकर के और उसकी डेथ की डेट तक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है इसके दो तरीके मैंने आपको कल बताए थे। एक तो होता है टाइम बेसिस पर, दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस पर। अब ये सारे फॉर्मूले जो मैंने कल आपको लिखवाए थे आज इनको हम क्वेश्चनों में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। और हमने कल इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझे थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अगर पीएसआर नहीं चेंज होता है तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, और अगर चेंज होता है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बनते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आज क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया जी, पेज नंबर हम आएंगे बेटा, हाँ पेज नंबर 7 पर। देखो पेज नंबर 7.29, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको होगा सर ये आपने एक से लेके 6 तक के क्वेश्चन नहीं करवाए। बेटा एक से लेके 6 तक के क्वेश्चन डिट्टो वैसे हैं जैसे रिटायरमेंट में हमने करे थे। मतलब कि रिटायरमेंट में पार्टनर रिटायर होता है ना तो हम क्या निकालते हैं, उनका न्यू रेशो या फिर गेनिंग रेशो निकालते हैं जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं। बिल्कुल सेम रिटायरमेंट डेथ में होता है, बिल्कुल सेम डेथ में। मैं करा भी दूंगा आपको एक दो क्वेश्चन तो आप उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझो। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखो जरा। इसमें दिनकर, नवेता और वाणी तीन पार्टनर हैं और उनका 3:1 का रेशो है। तो देखो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, चलो शॉर्ट में क्या मैं पूरा लिख देता हूँ। दिनकर, नविता और वाणी, इनका जो रेशो है वो है 3:2:1 का। नविता की मृत्यु हो रही है बेटा, इसकी मृत्यु हो रही है, ये डाइड है, ठीक है जी, 30 जून 2017 को। तो 30 जून को इसकी डेथ हो रही है। तो 30 जून को अगर डेथ हो रही है और 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द फॉर्म क्लोजेज इट्स बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 31 मार्च से 30 जून तक कितने महीने बैठते हैं, 3 महीने, अप्रैल मई जून, यानी कि इसकी जो डेथ हो रही है वो 3 महीने बाद हो रही है, ठीक है ना। अच्छा सर, अब आप देखो हर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसका हिस्सा होगा, किसका, नविता का, क्योंकि नविता की डेथ हो रही है, नविता का जो हिस्सा होगा इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीनिंग पीरियड होता है बेटा ये अप्रैल मई जून 3 महीने जो ये इंटरवीनिंग पीरियड है, वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स, वो सेल के आधार पर कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग दैट पीरियड। सर ये हम सेल के आधार पर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या हम 30 जून को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते? नहीं बेटा, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस साल के अंत में एक ही बार बनाते हैं। अगर बीच में प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है ना तो वो हम पिछले साल की सेल के आधार पर या पिछले सालों के प्रॉफिट के आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट कि जितना हमने पिछले साल कमाया होगा उतना ही हम इन 3 महीने में कमाएंगे। तो उस तरीके से अब वो कह रहे हैं जी बेस्ड ऑन दी सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, कह रहे हैं जी जो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, देखो मैं आपको लिख करके समझाता हूँ एक डायग्राम से। मान लो ये आपका 31 मार्च है यानी कि 1 अप्रैल, और उसकी डेथ हो रही है यहां पर 30 जून को, 30 जून को उसकी डेथ हो रही है 30 जून 2017 को, ठीक है ना। और ये क्या है, ये है 31 मार्च 17। तो बेटा यहां से लेके यहां तक का जो ये पीरियड बैठ रहा है ये 3 महीने बैठ रहा है, 3 महीने का। अब वो कह रहे जी इन 3 महीनों में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया ये कैसे कैलकुलेट करें,
ताकि हम नविता को इन 3 महीनों के प्रॉफिट में हिस्सा दे सके। तो वो कह रहे हैं कि एक काम करो जी, आप ना देख लो कि इन 3 महीने में सेल कितनी हुई है। देखो मैं समझाता हूँ, इन 3 महीनों में कितनी सेल हुई है आप वो देख लो, इन 3 महीनों में कितनी सेल हुई है ध्यान से देखो। कह रहे हैं जी जो सेल है वो 6 लाख रुपए की है इन 3 महीनों में। मैं यहां लिख देता हूं 6 लाख रुपए की सेल है इन 3 महीनों के दौरान, 6 लाख की सेल हुई है। ठीक सर, ओके लिख दिया। अब क्या करें, अब आगे देखो, द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल। बेटा वो कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों में, यानी कि यहां से पिछले 4 सालों में इन्होंने सेल पर 10% का प्रॉफिट कमा रखा है। कह रहे जी ये हर साल कितना प्रॉफिट कमाते हैं सेल पर, 10%। तो जब ये पिछले सालों में 10% कमाते हैं तो यहाँ की जो सेल है ये 6 लाख, इस पर भी ये कितने परसेंट प्रॉफिट कमाएंगे, 10%। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन सेल्स, 6 लाख रुपए का 10%। तो ये जो 6 लाख रुपए की सेल है ये बेटा फर्म की सेल है, और 10% प्रॉफिट कमाएंगे ये इन 3 महीनों के दौरान। तो मुझे ये बताओ, ये जो 60,000 का प्रॉफिट है ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट ऑफ द फर्म है इन 3 महीने का। तो ये जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा ये टाइम बेस पर नहीं करा, ये हमने सेल के आधार पर करा, ऑन सेल बेसिस। देखो हमने पीछे लिखा था ना, ऑन टर्नओवर बेसिस, यानी कि ऑन सेल्स बेसिस। तो पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर दे जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करी हुई दे रखी है 10%। और फिर देखो शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टर्नओवर यानी कि 6 लाख रुपए की सेल और परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना, 10%। तो कितना हो गया हमारे पास, देखो यहां पर ये हो गया 6 लाख की सेल और 10% 60,000 रुपये। अब इस 60,000 में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नविता का हिस्सा, नविता शेयर इन प्रॉफिट 60,000 रुपये में नविता का हिस्सा कितना बेटा, नविता का रेशो है 3:1 यानी कि 2, तो 3, 2, 5 और 1, 6 यानी कि 2/6 हो गया इसका हिस्सा। तो ये हो गया जी 60,000 इंटू 2/6, 20,000 रुपये। तो नविता का जो हिस्सा आया प्रॉफिट में कितना आया, 20,000 रुपये। ठीक है, आप देखो यही फॉर्मूले हमने लिखे थे कल, ये देखो शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टर्नओवर यानी कि सेल मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि 6 लाख मल्टीप्लाई 10%, तो कितना आ गया 60,000। और 60,000 में फिर क्या निकाल दिया हमने, शेयर इन डिसीज पार्टनर, तो डिसीज पार्टनर का शेयर कितना, 2/6। ठीक है भैया, हमने ये ऐसे निकाल दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने बस यहाँ थोड़ा अलग अलग कर दिया, आप यहाँ पर भी कर सकते थे सीधा 6 लाख इंटू 10% इंटू 2/3, तो हमने उसको 2/6 हमने यहाँ कर दिया। ओके चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, अब कौन सा करें बेटा बताओ, जल्दी बताओ कौन सा करें सर, क्वेश्चन नंबर 8 ही करा दो। चलो पहले, चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 ही कर लेते हैं, मैं तसल्ली में करा रहा हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुमार वर्मा एंड नरेश 3 पार्टनर है, 3:2:2 का रेशो है। ऑन 23 जनवरी, बेटा 23 जनवरी 2015 को वर्मा डाइड, इनकी मृत्यु हो रही है, और वर्मा का जो शेयर है ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेटेड एट ₹2,350। बेटा बात सुनो, इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट करा हुआ दे दिया कि वर्मा का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो ₹2,350 है, तो टेंशन ही खत्म। इन्होंने कहा जी पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो आपको तो केवल है जनरल एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री बना दो। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, चेंज के बारे में कुछ ना कहा हो तो हमेशा ये वाली एंट्री बनती है, ध्यान से देखना ये वाली,
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, ये तो तभी बनती है जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा हो, इफ पीएसआर चेंज हो रहा हो। तो देखो एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सर, सारे खर्चे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, सस्पेंस क्या है बेटा, क्योंकि साल के बीच में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु हो रही है वर्मा जी की, तो टू वर्मा कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग प्रॉफिट एडजस्टमेंट मेड 2350 रुपए और 2350 रुपए, ठीक है जी, ये एंट्री बनेगी। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ए बी एंड सी आर पार्टनर और 3:1 का रेशो है, थ्री टू वन का डाइड, बी डाइड हो रहा है, बी बी की डेथ हो रही है, कब हो रही है जी 30 जून को, यानी कि जो इंटरवीनिंग पीरियड है वो कितना है, 3 महीने का 31 मार्च से 30 जून तक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2020 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बैड डेट ऑफ रुपीज 2000 हैड टू बी एडजस्टेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज रुपीज 14000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। अच्छा जी, कैलकुलेट 20 ईयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, बेटा आप मेरी बात समझो, जो उसकी डेथ हो रही है वो हो रही है 30 जून 2020 को, देखो ध्यान से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये है 31 मार्च 2020 और जो उसकी डेथ हो रही है वो हो रही है 30 जून 2020 को, तो ये जो पीरियड है ये है 3 महीने का, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि ये जो साल हमारा ख़त्म होगा पूरा, एक अप्रैल शुरू होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा, इस वाले पीरियड का जो प्रॉफिट है, प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2020 इज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, कह रहे हैं जो प्रॉफिट यहां पर रहा होगा ना पिछले साल जो रहा होगा 31 मार्च 20 को, उसको लेना है। ओके ले लेंगे जी, यानी कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर जो यहां प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, जो यहां प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर होगा। ओके तो हमें क्या करना है जी, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के दौरान, यानी कि इस साल के दौरान बैड डेप्ट ऑफ रुपी 2000 हैड टू बी एडजस्टेड, कह रहे जी 2000 रुपए के बैड डेप्ट और एडजस्ट कर रहे हैं, कर देंगे जी। अब वो कह रहे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि यहां पर यहां का जो प्रॉफिट है बेटा वो कितना है, देखो आप यहां का जो प्रॉफिट है वो है 14000 रुपए, और ये 14000 का जो प्रॉफिट है वो है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट आपको यहां पर माइनस करने पड़ेंगे, तो ये कितना रह जाएगा 12000 रुपये, ठीक बात है जी। तो वो कह रहे हैं कि आप 2021 का जो प्रॉफिट लो उसमें बैड डेप्ट को आप क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें बी का हिस्सा निकालना है बेटा, बताओ बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, हम जल्दी बताओ बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे। देखो जरा ये कह रहे हैं जी 2021 में बैड डेप्ट एडजस्ट कर देना, यहाँ पर जो बैड डेप्ट थे वो 2000 के थे, तो हमने ये एडजस्ट कर दिए, तो हमारा प्रॉफिट कितना रह गया 12000। अब आप देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना 12000, तो हमें निकालना है बी का शेयर, बी शेयर इन प्रॉफिट जितना पिछला उतना ही मानेंगे 12000, कितने महीने का लेना है हमें 3 महीने का, क्योंकि देखो पिछले साल का 12000 है, तो हम मान के चलेंगे कि हम इस साल भी 12000 कमाएंगे पूरे साल में, तो पूरे साल में अगर 12000 कमाएंगे तो 3 महीने में कितना कमाएंगे, 3/12, और बताओ उसका हिस्सा कितना है जी, उसका हिस्सा है 2/6 बी का, तो इंटू 2/6
तो ये हो गया बेटा 12,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा बेटा 1,000 रुपये। तो बी का जो प्रॉफिट आया वो 1,000 रुपये आया, बी का जो हिस्सा आया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये आप अब घर से करना बाकी क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूँ मैं आपको। चलो 12 कर, राधा टीना रीता इक्वल के पार्टनर है। रीता की डेथ हो रही है 31 जुलाई को बेटा, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद। राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वॉज ₹4.5 लाख। बेटा वो कह रहे हैं जी पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड रीता शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। देखो जी, पहले तो प्रॉफिट में हिस्सा निकाल लो, ये बिल्कुल जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करा 9, बिल्कुल उसी की तरह है। देखो कैसे निकालेंगे हम रीता का हिस्सा, रीता शेयर। डेथ किसकी हो रही है, डेथ हो रही है रीता की, तो रीता शेयर इन प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर 4.5 लाख। कितने महीने का, 4 महीने का। रीता का हिस्सा कितना, 1/3, बस सिंपल है बेटा। 4,50,000 इंटू 4/12 इंटू 1/3, तो ये हो गया बेटा 50,000 रुपये। तो जो रीता का हिस्सा आया वो कितना आया बताओ जरा, रीता का हिस्सा जो आया वो कितना आया सर, रीता का हिस्सा आया 50,000 रुपये। अब हम क्या बनाएंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीता कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये और 50,000 रुपये। ठीक है जी, चलो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 15, एबीसी तीन पार्टनर है, 2:1 का रेशो है। सी की डेथ हो रही है 30 जून को। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ₹1 लाख और ₹10 लाख रेस्पेक्टिवली। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2020 वर ₹1.5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। बेटा मेरी बात सुनो, 30 जून तक, देखो मैं यहाँ चलो लिख के समझाता हूँ आपको। यहाँ पर डेथ हो रही है पार्टनर की 30 जून को, कितना पीरियड है, 3 महीने। 3 महीने के दौरान में जो इन्होंने सेल करी है, सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, वो है 1.5 लाख रुपये की। यहाँ पर जो 1.5 लाख रुपये की सेल है, अच्छा, और जो इन्होंने पिछले साल 31 मार्च 2020 को जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 1 लाख रुपये, और जो इन्होंने सेल करी वो कितनी करी, 10 लाख रुपये। तो अब आप क्या करो, आप इसका पहले परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पिछले साल कितना परसेंटेज था। तो देखो प्रॉफिट बटे सेल मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा बेटा 10% नेट प्रॉफिट की परसेंटेज। और फिर आप क्या करो, अब आप किसकी डेथ हो रही है यहाँ पर, देखो डेथ किसकी हो रही है, सी की, सी का हिस्सा निकाल दो। अब देखो 3 महीने की सेल कितनी है, 1.5 लाख, तो सी का शेयर कितना हो गया, 1,50,000 इंटू 10%, ये हमारा 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। और इसमें सी का हिस्सा कितना है बेटा, सी का हिस्सा है 1/5, तो 1,50,000 का 10%, 15,000 प्रॉफिट बैठता है 3 महीने का, भाग 5 कर दो, तो जो सी का हिस्सा आया वो 3,000 रुपये आया। कितना आया बेटा, 3,000 रुपये। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे आधार कैसे करा हमने, देखो यहाँ देखो पीछे मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा
पहले हमने क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट बटे लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई 100। देखो हमने यहां पर यही तो करा था, लास्ट ईयर प्रॉफिट बटे लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई 100, 10% आ गया। अब देखो और क्या लिखा है मैंने पीछे, यहां पर शेयर इन प्रॉफिट, सेल्स मल्टीप्लाई परसेंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर इन डिसीज पार्टनर। तो देखो हमने यही कराया आगे, शेयर ऑफ पार्टनर, सेल्स मल्टीप्लाई परसेंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर ऑफ पार्टनर, तो कितना आ गया 3000। तो ये वही फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो ऑल्टरनेटिव टू जो मैंने आपको लिखवाया था। कैसे करेंगे ऑल्टरनेटिव टू में, हम देखो पिछले साल का प्रॉफिट कितना 1,00,000, पिछले साल की सेल कितनी 10,00,000, तो बताओ इस साल की कितनी सेल है 1,50,000, तो इसमें हिस्सा कितना 1/5, ये डायरेक्ट हो गया, तो तब भी ये 3,00,000 ही आएगा, तब भी ये 3,000 आएगा। तो 1,00,000 भाग 10,00,000 मल्टीप्लाई 1,50,000 भाग 5, तो ये हो गया 3,000 रुपये। और देखो ये हमने लिखवाया था आपको पिछले में, कैसे लिखवाया था देखो, ये रहा ऑल्टरनेटिव में शेयर इन प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट बटे लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई शेयर इन डिसीज पार्टनर। बोलो क्लियर है, शेयर इन डिसीज पार्टनर, तो हमने देखो वही करा यहां पर, लास्ट ईयर प्रॉफिट बटे लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई डिसीज पार्टनर का शेयर। आपने अगर लिख रखा हो तो आप मैच कर लेना, तो मैंने ये वाला भी सिखा दिया आपको, ये वाला भी सिखा दिया, ये ऑल्टरनेटिव टू था हमारा। आंसर दोनों से सेम आएगा, आई होप आपको क्लियर हो गया वो। चलो इस वीडियो को आज हम यहीं रोकते हैं, ठीक है ना, और कल हम गुडविल के क्वेश्चन करेंगे कुछ, और कुछ हम इसके भी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, बाय।